कैपिटल आर की वैल्यू आ गई आर वन प्लस आर टू, दैट्स ऑल, बात खत्म। यदी बात नो बकवास। यानी कि अगर दो सर्कल की सर्कमफेरेंस को मिलाकर एक बड़ा सर्कल बनाया जा रहा है तो उस बड़े वाले सर्कल की रेडियस उन दोनों सर्कल के रेडियस की सम के बराबर होगी। सपोज करिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक बड़ा सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? 6, 5, 11। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यस, जो हमने छोटे क्लासेस में भी फॉर्मूले पढ़े थे इस चैप्टर के एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वही आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का ये चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ द सर्कल, ऑब्वियसली बात है ये आपका पढ़ा हुआ है, तो एक ब्रीफ डिस्कशन इससे हम लोग कर लेते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस आई है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस आप जानते हैं जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होगा 2π। ठीक है, अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, बिकॉज क्लास 10th में आए तो कुछ तो नया पढ़ने को मिलना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब समझते हैं। सपोज कर लीजिए एक सर्कल जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, गाड़ी का टायर मान लीजिए इस पॉइंट पर अभी ये रोड को टच कर रहा है, जब ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो यहां से ये यहां पर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट घूमता हुआ फिर से वापस यहीं पर टच करने लगेगा, तो यहां से यहां तक की जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो एक्चुअली किसके बराबर है? वो इसकी बाउंड्री के बराबर है, इसकी पेरिफेरी के बराबर है। इसकी पेरिफेरी क्या कहलाई थी? सर्कमफेरेंस कहलाती। यानी कि कोई भी व्हील या कोई सर्कल अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ये है मेन बात, असली बात, तो वो अपनी सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक गाड़ी है जिसकी रेडियस मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है और वो 2 किलोमीटर चलती है, तो उसने कितने रिवोल्यूशन लगाए होंगे? ऑब्वियसली बात है, एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस। अब जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसको ऊपर रख दीजिए और एक रिवोल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आएंगे। बट शर्त क्या है? इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, बस यूनिट शुड बी सेम। अगर ऊपर मीटर में लिया है तो नीचे भी डिनोमिनेटर भी मीटर में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आप नोट करके लिखिए, नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, कि नंबर ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन, कौन पहिया कितनी बार घूमेगा, जितना गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको ऊपर रख दीजिए, और सर्कमफेरेंस यानी कि एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस आप डिनोमिनेटर में रख दीजिए, आपका आंसर आराम से निकल आएगा। एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों की, एक सर्कल है, बड़ा सा सर्कल, इसकी रेडियस में आर मान लेते, दो छोटे छोटे सर्कल, इसकी रेडियस में आर वन मान लेता हूं, इसकी रेडियस में आर टू। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बनाकर दे रहा हूं, इस पे सवाल आएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते। अब सुनिए, तो ये बोलेंगे ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसके एरिया का सम कैपिटल है, इन दो सर्कल के एरिया के बराबर है, तो मैं इसका एरिया ए वन बोल देता हूं, इसका एरिया ए टू, ए बराबर ए वन प्लस ए टू। ऐसे पूछेगा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हूज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल हूज रेडियस दिस एंड दिस। यानी कि दो सर्कल गिवन होंगे, उनकी रेडियस भी गिवन होगी, कहा जाएगा इन दोनों के एरिया का सम के बराबर एक सर्कल हमने लिया है, उस सर्कल का रेडियस क्या है? तो आप सॉल्व करेंगे, मैंने उस पर शॉर्ट ट्रिक बना रखी है पहले से, देखिए मैं प्रूफ करके दे रहा हूं। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस को हमने चलो कैपिटल आर मान देते, पाई, तो ये कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया, कैपिटल आर लिख देते हैं। ओके, छोटे वाला सर्कल पाई आर वन का स्क्वायर, बिकॉज इसकी रेडियस आर वन मानिए, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस पाई आर टू मानिए, तो ये पाई आर टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, पाई आपको मिल जाएगा बाहर कॉमन, ये बचेगा आर वन का स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा आर टू का स्क्वायर, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, आर इक्वल टू हो गया अंडर रूट आर वन का स्क्वायर प्लस आर। इतना काम आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सपोज कर लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 8 है, मैंने इन दोनों सर्कल को मिला के एक ऐसा सर्कल बनाया जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के बराबर आ रहा है, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं आर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 सेंटीमीटर। यानी कि 10 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का एरिया दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर होगा जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर।
आप बताइए कैसी लगी आपको ये ट्रिक। आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना ही नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूं, सिर्फ r इक्वल टू अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर कर दीजिए और ये जहां भी आपको मिल जाए, किसी भी बुक में मिल जाए, कहीं भी अगर आपको किसी ने पढ़ाया हो तो मुझे जरूर बताइए। मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, यहां तक कोई पढ़ाता ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला कराते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कराते हैं। अब मैंने इस पर शॉर्ट ट्रिक बना दी, तो शॉर्ट ट्रिक हमारी निकल के आई, बड़े वाले सर्कल की रेडियस दो छोटे वाले सर्कल के स्क्वायर के सम के बराबर होगी रूट में, अगर उनका एरिया बराबर, दो छोटे वाले सर्कल के एरिया का सम बड़े वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। अब दूसरा सवाल आएगा, भाई एक बड़ा सर्कल है, दो छोटे सर्कल, इन दोनों की सर्कमफेरेंस का सम बड़े वाले की सर्कमफेरेंस के बराबर है, तो भी बड़े वाले की रेडियस क्या रहेगी होगी, ये भी निकाल लेते हैं। सपोज कर लीजिए इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली, अगेन इसकी रेडियस आर वन मान ली, इसकी रेडियस आर टू मान ली, सीधी सी बात है, नो बकवास है, सी बड़े वाले की सर्कमफेरेंस सी हो गई, छोटे वाले की सी वन और दूसरे वाले की सी टू, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, बिकॉज सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर वन और ये हो जाएगा 2 पाई आर टू। 2 पाई आर को ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, मेन पढ़ाई की जो चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं वो यही है। क्वेश्चन तो आप कितने भी लगाते रहिए, किसी बुक से करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे आर वन प्लस आर टू, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई आर वन प्लस आर टू, दैट्स ऑल, बात खत्म, ये भी बात नो बकवास। यानी कि अगर दो सर्कल की सर्कमफेरेंस को मिलाकर एक बड़ा सर्कल बनाया जा रहा है तो उस बड़े वाले सर्कल की रेडियस उन दोनों सर्कल के रेडियस की सम के बराबर होगी और वहां पे उनके अंडर रूट के स्क्वायर के सम के बराबर। एग्जांपल ले लेते हैं, इस सबको हटा देता हूं, आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, आपके एमसीक्यूज आने हैं इस बार और जो आपका 2 मिनट का काम है वो 10 सेकंड में हो जाएगा, मेन बात ये, इसलिए मैंने आपको ये बनाकर दिया। सपोज करिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक बड़ा सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, 6, 5, 11। सपोज करिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक बड़ा सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, 6, 5, 11। आपके साथ ही आपका साथ ही, अब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो दैट्स योर प्रॉब्लम, आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं नॉर्मल बच्चों से ऊपर पढ़ा रहा हूं, जनरली जो बच्चे क्लास 10th में नहीं पढ़ते, इसको सॉल्व करने में आपका साथी 2 मिनट लगाएगा, 1 मिनट तो लगाएगा ही लगाएगा, अच्छा बच्चा होगा, पर आप सिर्फ पेन भी नहीं उठाएंगे, बोले अच्छा एक सर्कमफेरेंस है, उनकी सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, बताओ रेडियस उसके 6, 5, 11, क्योंकि आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया r इक्वल टू आर वन प्लस आर। अब आप इसको प्रिजर्व कर पाते हैं तो आपका फायदा है, देख लीजिए सीधी सी बात है, कोई टीचर किसी को घोल के तो नहीं पिला सकता, मैं आपका एग्जाम नहीं लिख सकता, ये मेरी मजबूरी है, अगर मैं आपका एग्जाम लिख सकता होता तो आप टॉप कर जाओ, इसलिए आपको पढ़ना तो आपको पड़ेगा, देख ठीक है, टीचर को ब्लेम करने से अच्छा है कि अपनी प्रैक्टिस खुद स्टार्ट कर दीजिए, कि वो बच्चा हमसे तेज हो गया, वो बच्चा हमसे आगे निकल गया, सब आप ही की कमी की वजह से होता है। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है ज्यादा, चाहे वो मुझसे पढ़ रहा हो चाहे वो किसी एक्स्ट्रा दूसरे टीचर को पढ़ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बच्चा 3 घंटे दे रहा है पढ़ाई में, आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं, तो उसके 2 घंटे वेस्ट नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं उसके साथ देखेंगे। अब आप 1 घंटा पढ़ के मत सोचिए कि हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको सबसे ऊपर मिल रहा है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इन कॉन्सेप्ट को कैसे संभालेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा लोग। चलिए आगे चलते हैं इसी बात को लेते हुए, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 के। जैसा पहला क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, देखिए पहला क्वेश्चन ही वही है जो मैंने बनाया था, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज अ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल। बताइए क्या करूं मैं, ऐसे सवाल करूं कैसे कराएंगे टीचर, मालूम बड़े वाले की रेडियस बार मान ले तो 2πr, ये हो गया 2πr1, यानी कि 19 रखेंगे, फिर वो रखेंगे, हम तो नहीं कराने वाले, r इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, दोनों को ऐड कर लीजिए, 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट ऊपर है कि नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया हो तो बता दीजिए मुझे, नहीं पढ़ाया वही। अब एरिया दे रखा होता तो एरिया में वो लगा देते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर,
यहाँ पर सवाल नहीं, आरडी शर्मा की बुक उठाइए, आरएस अग्रवाल की बुक मिलाइए, ये वाला सवाल भी आपको मिल जाएगा। मैंने ये एक क्वेश्चन नहीं कराया, आप ये मत समझिए कि सर ने एक क्वेश्चन कराया, सर ने चार पांच क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के करा दिए। अब आप क्वेश्चन ढूंढिए, क्वेश्चन करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम था कॉन्सेप्ट पढ़ाना, आपको रास्ता दिखाना, मैंने फॉर्मूला दोनों बता दिए अपनी मेहनत से। अब इसको आप याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सेकंड वाला वही मिल गया, चलिए अच्छी बात है, मैं सोच रहा तो नहीं आएगा इसमें। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मैंने एग्जांपल में भी दिया था। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। भाई दो सर्कल है, एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो एक सर्कल की रेडियस क्या होगी जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर है। क्या मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया? आर इक्वल टू अंडर रूट आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर, किसी बुक में छपा हुआ हो तो बताना जरूर। अभी फिर से बोल रहा हूँ, किसी बुक में छपा हुआ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से करा गया है सवाल, ऑब्जर्वे। और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा मैंने काम किया है, बहुत बड़ा डेरिवेशन, बिल्कुल डेरिवेशन नहीं, आप भी कर सकते थे, मैंने सिर्फ कंडीशन लगाई जनरल केस पे। लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट कराते हैं, मैंने सिर्फ जनरल केस पे कंडीशन लगाई कि भाई ए बराबर ए वन प्लस ए टू, पाई को कैंसिल कर दिया, आर की वैल्यू दोनों आर वन और आर टू की फॉर्म में निकाल ली, तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। क्योंकि लोग इसको यूज नहीं करते हैं, तो बड़ा काम तो है ही। कितना हो जाएगा 64, 36, 100, 10, बात खत्म हो गई, 10 सेंटीमीटर। वो सर्कल जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के बराबर होगा उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सवाल आपके 10-10 सेकंड्स में हो जाएंगे, जो आपके एक या दो मिनट लेते पहले। क्वेश्चन नंबर 4, ये आया व्हील वाले पर, मगर ये सवाल अच्छा है। द व्हील ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, डायमीटर, व्हील की डायमीटर 80 सेंटीमीटर, सीधी बात है रेडियस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, आधा होती है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक? एक व्हील, एक व्हील जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी के हिसाब से हम निकाल लेंगे डिवाइड करके, बट इन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया, इन्होंने कहा 10 मिनट, टाइम है 10 मिनट। अगर वो कार स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आर पे चल रही है, और हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं, नीचे क्या होता है सरकमफेरेंस, ये होता है ना बच्चे लोग, अभी पढ़ाया था सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालें, तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालें, टोटल डिस्टेंस आराम से आ जाएगी बिकॉज हमारे पास स्पीड है और टाइम, कि भाई 66 किलोमीटर पर आर पे वो गाड़ी चल रही थी, 10 मिनट में कितना ट्रेवल हो गया। अब पहले चीजों को आपको देखना पड़ेगा, 66 किलोमीटर है, 100 से मल्टीप्लाई कराई तो वो हो गया मीटर, लेकिन मेरी जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सही बात है, 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, सही है मीटर, और 1 आर में 60 सेकंड होते हैं, तो ये अब मेरी डिस्टेंस जो स्पीड थी वो कन्वर्ट हो गई मीटर पर मिनट, 1000 से मल्टीप्लाई करा के मैंने मीटर कर दिया और आर में 60 से डिवाइड मैंने कर दिया तो वो मिनट हो गया, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 1 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1100 मीटर पर मिनट, जिसको अभी हम सेंटीमीटर में करेंगे, चिंता मत, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 1100 मीटर एक मिनट में, टाइम कितना है 10 मिनट, सीधी सी बात है, तो ये हो गया 11000 मीटर, मीटर को करना है सेंटीमीटर में, 11000 और एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, दो जीरो और लग जाएंगे, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा, इतना सेंटीमीटर, बात समझ आ रही है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला लगा दो, एन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 11 और 1 2 3 4 5 0, टू पाई की वैल्यू 22/7 और आर आर की वैल्यू 40, सही है, देखो एक जीरो से एक जीरो तो पहले इसको कैंसिल कर दो और 7 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 11 1 2 3 4 0, 7 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, 2 है नीचे, 22 है नीचे और 4 है, देखो 11 1 11 11 2 22, सही, तो कितना बचा ये 1 और 1 2 3 4 0, नीचे बना 2 2 4 और 4 4 16, चलो 4 4 अलग कर देते मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चलो थोड़ी सी जगह बचती है यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं
आगे वाले पेज पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 बचा था हमारा ऐसा करके, मल्टीप्लाइड बाई 7, 4 × 4 एक 400 को डिवाइड करोगे 25 आएगा, 2 0 लग गए। दूसरे से डिवाइड करोगे 4 × 6 = 24, 1 × 4 = 8, 2 × 4 = 20, 625 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 × 5 = 35, 35 × 5 कैरी 3, 7 × 14, 14 × 3 = 17, 17 × 7 कैरी 1, 7 × 6 = 42, 1 × 1 = 43, 4 × 3 = 75, 4375 बार पहिया घूमा होगा, यानी कि गाड़ी का पहिया 4375 बार, यानी कि 4375 बार घूमेगा अगर वो गाड़ी 10 मिनट तक चले। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। कितनी स्पीड पे? 66 किलोमीटर पर आर अच्छी खासी स्पीड होती है, और पहिए की जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर अगर हो तो कितने चक्कर वो लगाएगा एक पहिया उस कार का। इस टाइप के सवाल अच्छे सवाल होते हैं नंबर क्वेश्चन के। आपको करना यह है टोटल डिस्टेंस निकाल लेना स्पीड से और टाइम से, पर शर्त यह है यूनिट सेम होना चाहिए। अगर आपने टोटल डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया है तो सर्कमफेरेंस भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर टोटल डिस्टेंस मीटर में लिया है तो सर्कमफेरेंस मीटर में होनी चाहिए, बस यूनिट सेम रखना। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल लगता है मुझे, जिसने भी बनाया है एनसीईआरटी वालों ने बहुत बेहतरीन सवाल लिखा है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर ना तो कुछ दे रखा है फिर रेडियस कॉन्स्टेंट कैसे आ रही है? 2 आ रही है इसमें, एन आ रही है इसमें, 4 आ रही है इसमें, 7 आ रही है, ये एन की जगह हो सकता है कुछ मिस्टेक हो उसमें एन ना। एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, यूनिट थोड़ी इक्वल होगी, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस होता है सेंटीमीटर से, या मीटर स्क्वायर वो होता है मीटर, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल है। अगर वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये 10 है सेंटीमीटर में, एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है सर्कमफेरेंस पे। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 πr, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर उड़ा दो, आर की वैल्यू हो गई 2 यूनिट, यानी कि उस सर्कल का रेडियस, सॉरी उस सर्कल की सर्कमफेरेंस भी बराबर आएगी, और उस सर्कमफेरेंस का एरिया निकाल लो वो भी बराबर आएगा अगर उसका जो रेडियस है वो 2 यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस टाइप के सवाल एमसीक्यूज में बन सकते हैं, बहुत आराम से आप लोग कर लें। तो ये बेसिक लेक्चर था बच्चों, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, सर्कमफेरेंस का सम वाला जो तरीका है वो बता दिया कि अगर एक सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर है तो रेडियस कैसे निकालें, और एक सर्कल का एरिया अगर 2 सर्कल के एरिया के सम के बराबर है तब रेडियस कैसे निकालें। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, जो कि 10th क्लास में हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा था। ये एक बेसिक लेक्चर था, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी इसके आप जो भी रेफरेंस क्वेश्चन है वो किसी भी अच्छी सी बुक उठाइए, सवाल करिए, कोई दिक्कत आए तो पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।